उपस्थित हुए हैं। कॉन्फ्रेंस है वो पीओजेके विस्थापित सेवा समिति द्वारा आयोजित की गई है। पीओजेके विस्थापित सेवा समिति के जो सदस्य हैं उनमें श्री डॉक्टर दीपक कपूर जी हैं, श्री प्रदीप जी हैं जो एक्स एमएलसी हैं पुंछ से, और दमनजीत जी हैं, श्री अशोक खजूरिया जी हैं और एडवोकेट विकास जी हैं। हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं जो इस आज के इस कैलेंडर का जो विमोचन करेंगे, हमारे पूर्व एक्स एमएलसी श्री विबोध गुप्ता जी रजौरी से हैं। जो पीओजेके विस्थापित सेवा समिति है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि पीओजेके विस्थापित सेवा समिति जो है जो 1947 में पीओजेके से विस्थापित हुए परिवार हैं उनके लिए पिछले कुछ समय से कार्यरत है। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी डिमांड्स रहती हैं, वो समय समय पर हम उच्च स्तरीय लेवल पर सरकार तक पहुंचाते हैं और उसका समाधान कराने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने जो जम्मू कश्मीर के जो डोमिसाइल रूल हैं उसमें कुछ तब्दीली की है, और उस तब्दीली में पीओजेके से जो विस्थापित परिवार जम्मू कश्मीर से बाहर रह रहे हैं, जैसे कि हमारे माइग्रेंट्स कश्मीर के माइग्रेंट परिवार भी हैं, उनके स्तर पर उसी तरीके से उन सब का डोमिसाइल बनाने का एक हमें अवसर प्राप्त हुआ है। तो पीओजेके विस्थापित सेवा समिति जम्मू कश्मीर से रह रहे सभी विस्थापित परिवार जो भारत के अलग अलग प्रदेशों में रह रहे हैं उनको जाकर इसके इस विषय पर उनको समझा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, और उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि वो आप जम्मू कश्मीर का जो डोमिसाइल है उसे बनाने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आकर अपना डोमिसाइल बनवा सकते हैं। आज का जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है वो है पीओजेके में जो हमारे धार्मिक स्थल वहाँ हम पीछे छोड़ आए हैं, अपनी मातृभूमि को छोड़ के आए हैं, उन सब के जो हमारे धार्मिक स्थान हैं उनका एक कैलेंडर बनाया गया है तो उसका आज विमोचन होगा। मैं डॉक्टर दीपक कपूर जी से कहूंगा कि उस कैलेंडर के बारे में दो शब्द कहें तो, और उसके पश्चात फिर हमारे मुख्य अतिथि जी अपने बात करें। धन्यवाद जी। जैसा कि अभी अरुण जी ने आपको बताया कि आज का उद्देश्य हमारा यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का है कि इस कैलेंडर को जो कि पीओजेके की उन धार्मिक स्थानों को, हमारे उन खास स्थानों को याद कराता है जो कि हम 47 में उस बहुत बड़े विभाजन के बाद हम छोड़ के आए। तो इसमें मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, इवन गिलगित बाल्टिस्तान जैसे इलाकों में हमारे जो मंदिर हैं, हमारे गुरुद्वारा साहिब हैं, और इवन बुद्धिज़्म की भी जो धार्मिक स्थान हैं उन सब का वर्णन किया गया है। मुजफ्फराबाद के गुरु हरगोविंद सिंह गुरुद्वारा साहब हैं, इसी तरह से बाणगंगा टेम्पल हैं वहाँ कोटली के, और अन्य भी अलग अलग स्थानों के जो धार्मिक स्थान हैं उनके फोटोग्राफ्स हैं कुछ, और मंथ वाइज महीने के हिसाब से तो हर पेज पे उसका एक चित्रण किया गया है। तो हमारा एम है कि इसके ज़रिए पीओजेके के उन स्थानों का स्मरण करना और अपनी उस धरती माँ को स्मरण करना और लोगों को ये याद कराना कि उस वक्त कितने जुल्म सहकर हमारे लोग वहाँ से आए और आज हम उस स्थान पे यहाँ पर खड़े होकर उनको याद कर रहे हैं, और कभी वो दिन भी आएगा कि हम फिर से अपने उन स्थानों को देख पाएंगे। हम देखें या हमारी अगली आने वाली पीढ़ियाँ देखें, मगर ये अब लोग जलाई जा चुकी है, ये मशाल जलाई जा चुकी है और इसको हमने आगे के लिए फॉरवर्ड करना है। और अब मैं प्रार्थना करता हूँ, इनवाइट करता हूँ हमारे ऑनरेबल एक्स एम एल सी बहुत को अपने
कार्यक्रमों से इन कैलेंडर्स का विमोचन करें और थोड़ा एड्रेस कर ठीक है सर। पहले इसके बारे में 1947 के अंदर देश का विभाजन हुआ, हिंदुस्तान भारत माँ के टुकड़े हुए, उसके अंग काट दिए गए, बाजू काट दिए गए, बांग्लादेश और पाकिस्तान पाकिस्तान बना। और उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो बनाया। प्रिंसली रूल्ड जितनी भी स्टेट थी उनको कहा गया था कि आपने हिंदुस्तान के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ रहना है। वो महाराजा को ही पावर दी गई थी, जनता को पावर नहीं दी गई थी। महाराजा तय करेंगे कि उन्हें किस देश के साथ रहना है। प्रिंसली रूल स्टेट्स जो थी उनके महाराजाओं ने साइन किए, जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, जो हिंदुस्तान के साथ आना चाहते थे। जम्मू कश्मीर के महाराजा हमारे आन बान और शान महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर भारत के साथ जाने का जो है विले जो है पत्र जो है वो साइन किया। ये वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था जो सब महाराजों ने साइन किया। और उस समय जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया तो पाकिस्तान की फौजों ने कबालियों के बेस के ऊपर हमला कर दिया जम्मू कश्मीर के ऊपर। जैसे अभी मेरे साथियों ने बताया, मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, पुंछ का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की नजायज कब्जे में चला गया। राजौरी भी उन्होंने कैप्चर किया, राजौरी को 6 महीने के बाद रिकैप्चर किया, परंतु एक साजिश के तहत ये मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद और ये पुंछ का जो हिस्सा था नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला के कहने के ऊपर सीज फायर कर दिया और पाकिस्तान के नजायज कब्जे में वो हिस्सा चला गया। वो लोग वहां से हजारों लाखों लोग वहां से विस्थापित हुए। आज लाखों की संख्या में विस्थापित समाज के लोग जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बाहर रह रहे हैं। 22 फरवरी को पार्लियामेंट के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि हमें पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को वापस लेना है और वो समय अब आ रहा है। हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर वापस हमारे पास आएगा, हमारे लोग वापस वहां जाएंगे, उन गलियों में, उन खेतों में, उन हवाओं में, उन फिजाओं में, उन बाजारों में जाएंगे हमारे लोग जो छोड़ के उस समय यहाँ पर आए। साथियों, विस्थापन सबसे बड़ा विस्थापन अगर कोई हुआ है वो हमारे मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद और पुंछ के लोगों का विस्थापन हुआ और उस समय यहाँ पर राष्ट्रवादी सरकार नहीं थी, जिसके कारण उन लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। 5 अगस्त 2019 के बाद बड़ी तेजी के साथ वो सारे हमारे विस्थापित लोग जो जम्मू कश्मीर के बाहर रह रहे थे उनके डोमिसाइल जो है वो बने। ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी पीओजे के विस्थापित सेवा समिति, उस ऑर्गेनाइजेशन के बैनर पे हम काम कर रहे हैं। और आज इन्होंने मुझे यहाँ पर न्योता दिया कि एक कैलेंडर जो है वो यहाँ पर इस समय उन्होंने रिलीज करना है। उस कैलेंडर के अंदर ये टेबल कैलेंडर है, 12 महीने का ये कैलेंडर है और 12 फोटोग्राफ जो है हर कैलेंडर के ऊपर एक फोटोग्राफ जो है रखा गया है। वो हमारे वहां के चाहे हमारे गुरुद्वारा साहिब है, चाहे हमारे प्रमुख मंदिर है, वो उनको उनपे छाया किया गया है और जितने विस्थापित समाज के लोग हैं उनके घरों में ये कैलेंडर दिया जाएगा। ये शुरुआत है। हमने देखा पिछले दिनों के अंदर कि पीओजेके के अंदर मोदी मोदी के नारे लगे। पीओजेके के लोगों ने कहा कि हमें भारत के साथ जाना है, हमें वापस अपने कश्मीर जाना है। वो एक समय आएगा बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी लड़ाई के, वो लोग खुद भारत के साथ आएंगे क्योंकि वो भारत का ही हिस्सा है जो पाकिस्तान के नजायज कब्जे में है। मैं आपके माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन पीओजे के वापस देश का हमारे हिस्सा बने। सारे लग लग लोग ना कि उधर से शुरू करते हैं। आप पहला पेज को लो, दूसरा को लो, सामने से सामने।
इधर थोड़ा सा सामने सामने।